हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिकल कुकिंग विद पूनम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस अपनी वीडियो में हम प्रोटीन से भरी एक सब्जी बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है सोयाबीन। जी हाँ, सोयाबीन की सब्जी बनाएंगे आज हम। सोयाबीन को मैंने गर्म पानी में, देखिए ये गर्म पानी है, इसको हम अच्छे से भिगा करके थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे। अच्छे से भर के हमने ऊपर तक गर्म पानी डाल दिया है, अब इसको हम ढक करके छोड़ देंगे। यहाँ पर मैंने दो आलू काट लिए हैं और थोड़ी सी मैंने मटर भी ले ली है। और आधे घंटे के बाद देखिए ये सोयाबीन हमारा अच्छे से फूल गया है, बिल्कुल साइज़ में ये सब डबल हो गए हैं। तो इनको हम अब अच्छे से हाथ से मसल मसल के और इस तरह से पानी इसका निकाल निकाल के हम इसको कम से कम दो तीन बार पानी से धोएंगे और अच्छे से धो करके इसको हम रेडी करेंगे, क्योंकि इसके अंदर कई बार मिट्टी वगैरह होती है तो हम इसको अच्छे से धो लेंगे। तो यहाँ पर हमने सोयाबीन अच्छे से साफ़ कर लिया है, आप देख रहे हैं बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं और बिल्कुल साइज़ में ये डबल भी हो गए हैं। तो चलिए हम इनकी सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने रख ली है कढ़ाई और इसमें मैं डाल रही हूँ तेल। हमारे यहाँ राई का तेल यूज़ होता है, दो बड़े चम्मच मैंने इसमें राई का तेल डाल लिया है। अच्छे से तेल गर्म होने के बाद सबसे पहले हम इसमें सोयाबीन को फ्राई करके निकाल लेंगे। तो सोयाबीन जो है वो प्रोटीन का खजाना है। सोयाबीन में बहुत ही भारी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन से हम कई तरह की डिशेस बनाते हैं, जैसे पुलाव बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, इसका कीमा भी बनाते हैं और आप मोमोज भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आप कई तरह से सोयाबीन को हम यूज़ कर सकते हैं। तो जब तक ये हमारा लाल हो रहा है, सोयाबीन अच्छे से इसको लाल करना है, तब तक यहाँ पर ये ग्रेवी बना लेते हैं। इसमें मैंने दो प्याज लिए हैं, लहसुन, अदरक, टमाटर और मिर्ची, इनको हमें अच्छे से पीस करके पेस्ट बना लेना है। और सोयाबीन को हमें मीडियम फ्लेम पर अच्छे से उलट पुलट कर चलाते हुए इसको हमें लाल कर लेना है। पहले फ्लेम हाई रखें, उसके बाद थोड़ा सा फ्लेम कम कर दें, और अगर आप छोटे गैस पर कर रहे हैं तो फ्लेम हाई ही रहने दें। इस तरह से देखें, सोयाबीन को हमें उलटते पलटते अच्छे से हमने इसको कुरकुरा कर लिया है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी स्नैक्स के रूप में थोड़ा सा नमक डाल करके खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सोयाबीन सारा फ्राई कर लिया है, इसको मैं प्लेट में निकाल दे रही हूँ। फिर से मैंने उसी बर्तन में दो बड़े चम्मच तेल डाल दिया है और यहाँ पर तड़के में डाल रही हूँ मैं एक बड़ा कटा हुआ प्याज। प्याज को हमें कोई बहुत बारीक नहीं काटना है, जिस तरह से तड़के में डालते हैं वैसे ही प्याज हमने इसमें कट करके डाल दिया है। अब जैसे ही प्याज का कलर थोड़ा चेंज होगा तो हम इसमें अपने बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर प्याज थोड़ा ब्राउन होने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है आलू, और हमने जो मटर ली है वो भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ। तो मैंने यहाँ फ्रोज़न मटर ली है, आपके पास अगर फ्रेश मटर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इनको भी हम थोड़ा अच्छे से भून लेंगे, आलू और मटर को दोनों साथ में हम गैस का फ्लेम हाई करके थोड़ा टाइम तक उलटते पलटते इसको भून करके तैयार करेंगे। ये सब्जी फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही इसका टेस्ट अच्छा होता है, और इस तरह से हम प्रोटीन भी अपने अंदर आसानी से ले पाते हैं। बच्चों को भी ये सब्जी बहुत पसंद आती है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा आलू थोड़ा कलर चेंज हो गया है, गैस का फ्लेम लो कर देंगे और यहाँ पर हम अपने सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने डाल दी हल्दी पाउडर, और उसके बाद डाल दिया एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे सब्जी का कलर बहुत अच्छा आएगा। एक चम्मच मैं डाल रही हूँ गरम मसाला, और यहीं पर डालूंगी धनिया का पाउडर। तो कभी भी सूखे मसाले डालने के टाइम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो करें, और इस तरह से तेल के साथ इन मसालों को हम दो तीन सेकंड के लिए थोड़ा सा भून लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें नहीं भूनना है, और याद रखें यहाँ पर गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। अब थोड़ा सा भूनने के बाद यहाँ पर हमने जो पेस्ट बना के रखा था, अदरक, लहसुन, मिर्ची, टमाटर का, वो हम इसमें डाल देंगे। इस तरह से ड्राई मसालों को भूनने से सब्जी का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप कभी भी ट्राई करके देखिए, बहुत ही अच्छी टेस्ट सब्जी बनके तैयार होती है। तो यहाँ पर हमने ये पेस्ट भी डाल दिया है, इसको भी हम अच्छे से मसालों के साथ भुनेंगे। और अब हम यहाँ पर डालेंगे इसमें जो भी हमारे मिक्सिंग जार में थोड़ा सा लगा था मसाला, उसको मैं थोड़ा सा पानी डाल करके, ताकि मसाला पकने इतना हमने इसमें पानी भी डालना है, तो उसी जार को धो करके हमने डाल दिया है। बिल्कुल भी मसाले को वेस्ट नहीं करेंगे जो हमने पेस्ट बनाया था। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो यहाँ पर अब मैं साथ में ही मसालों के डाल देती हूँ नमक। हाँ, मैं मसालों के साथ ही नमक को भी डाल देती हूँ, ताकि नमक पड़ने से सब्जी अच्छे से जल्दी से गल जाती है और मसाला भी अच्छा पकता है।
और यहीं पर मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी को इस तरह से हाथ से रगड़ते हुए थोड़ा सा हम इसमें ऐड कर देंगे। कसूरी मेथी डालने से कोई भी सब्जी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो गैस का फ्लेम हमने यहाँ पर लो टू मीडियम ही रखा है। इसको भी हम अच्छे से इसमें मिला देते हैं। और अब हमने जो सोयाबीन अपनी फ्राई करके रखी थी वो भी यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, ताकि मसालों के साथ ये भी अच्छे से पके। और मसाल इसका अपना कोई फ्लेवर नहीं होता है, बहुत ही फीकी होती है ये सोयाबीन। तो अगर आप मसालों के साथ इस तरह से इसको पकाएंगे तो इसके अंदर भी मसाले अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएंगे और इनमें थोड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है, और मसालों में भी सोयाबीन का टेस्ट अच्छा, मतलब फ्लेवर अच्छा बन जाता है सब्जी का। इस तरह से मसालों के साथ ही इसको भी पकने दें। अब ढक करके इसको हम तेल छूटने तक पका लेंगे। सब्जी को कभी भी हाई फ्लेम पर नहीं करेंगे, हमेशा लो फ्लेम पर ही मसाले को पकने के लिए छोड़ेंगे। तो आप देख रहे हैं मसाला हमारा अच्छे से पक गया है और बिल्कुल ही ड्राई हो गया है। तो क्योंकि हमने सोयाबीन भी साथ में डाल दी थी, तो सोयाबीन भी थोड़ा सा मसाले का पानी अच्छे से अंदर उसने सोख कर लिया है। तो यहाँ पर मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, आपको जितनी कम ज़्यादा ग्रेवी वाली बनानी है या थिक बनानी है या जैसी बनानी है सब्जी, आप चाहें तो ऐसे भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं डालूँगी पानी। तो सब्जी ये आप देख रहे हैं मसाला बिल्कुल ही रेडी है और तेल भी थोड़ा थोड़ा छूट गया है मसाले का। और इसके बाद हम यहाँ पर, और ये सब्जी आप किसी भी टाइम बना सकते हैं, चाहे दोपहर में लंच में बनाएं या शाम को डिनर में बनाएं। इसको पूरी के साथ, पराठे के साथ, चावल के साथ, किसी भी आइटम के साथ आप खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए इसमें पानी डाल दिया है। अब इसको हम ढक करके पकने के लिए छोड़ देंगे। और जब तक कि सब्जी हमारी पक जाती है, देख रहे हैं सब्जी हमारी अच्छे से पक गई है, किनारे किनारे तेल छूट गया है। और ग्रेवी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमारे यहाँ सब्जियाँ ग्रेवी वाली ही बनती हैं, इसलिए मैंने ग्रेवी थोड़ा ज़्यादा डाली है। तो देखिए कितनी अच्छी ये, बिल्कुल बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सब्जी बन करके बिल्कुल रेडी हो गई है। हरे धनिए से इसकी गार्निशिंग कर देते हैं, जिससे और भी टेस्ट इसका बढ़ जाएगा। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही यमी बनती है। फ्रेंड्स लीजिए, मैंने बाउल में सब्जी निकाल ली है सर्विंग बाउल में, और ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डाल करके इसको डेकोरेट कर देती हूँ। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी आज की वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी होगी, ये सब्जी आप ज़रूर बना करके ट्राई करना। आज अगर आपको टेस्टी लगेगी, प्लीज़ मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन जरूर क्लिक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और फ्रेंड्स फैमिली मेंबर में मेरी वीडियो को जरूर शेयर करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नई रेसिपी में। टेक केयर।